नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। यह इंडियन पॉलिटिकल सीरीज है। इस सीरीज़ का यह सेकेंड छठा सेशन है। ओके, छठा सेशन का फर्स्ट वीडियो है। छठा सेशन आपको संविधान के भाग से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर आधारित है। ओके, तो ये जो छठा भाग है संविधान के प्रमुख भाग से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, एक ही वीडियो में इसको टोटल कवर कर लिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया? ओके, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग? ऑप्शन नंबर ए 16 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 24 भाग, तो ऑप्शन डी 25 भाग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान में टोटल कितने पार्ट है? भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई? ओके, यानी ये पूछा जा रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देख ले, भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 20 तथा ऑप्शन डी भाग 21। इसका सही आंसर है यानी भारतीय संविधान के 20वें भाग में क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है तो आपको पता होगा, पिछले सीरीज में मैंने बताया था किस देश से क्या प्रमुख भाग ली गई भारतीय संविधान में। तो उसके अंतर्गत यह था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की, यानी ग्राम पंचायत की स्थापना का जो भाग, ग्राम पंचायत की स्थापना की जो बात कही गई है किस भाग में है? ओके, ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 तथा ऑप्शन डी भाग 6। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भाग 4 में क्या बताया गया है, भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। ओके, भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल अधिकार के अंतर्गत कहे गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सॉरी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। भाग 3 में आपको मूल अधिकार बताया गया, जबकि भाग 4 में क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन क्या किया गया, ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद कही गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंध के प्रावधान है? ओके, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष प्रबंधों का प्रावधान? ऑप्शन नंबर ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 21 तथा ऑप्शन डी भाग 22। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 21 के अंतर्गत संक्रमण कार्य अस्थायी और विशेष प्रबंध का बात किया गया है, मिसलेनियस। ओके, भाग 21 के अंतर्गत बात किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस भाग में तीनों स्वप्नों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? ओके, ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11। इसका सही आंसर है यानी संविधान के भारतीय संविधान के किस भाग में तीनों स्वप्नों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 के अंतर्गत की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? ओके, यानी नगर पालिका का प्रावधान भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया? ऑप्शन नंबर ए भाग 4 ए, ऑप्शन बी भाग 9 ए, ऑप्शन बी भाग 14 ए तथा ऑप्शन डी भाग 22। ओके, तो इसका सही आंसर है छठा का ऑप्शन नंबर बी यानी भाग 9 ए के अंतर्गत क्या किया गया, नगर पालिका का प्रावधान किया गया। ओके, जबकि भाग 4 ए में क्या बताया गया, भाग 4 ए में मूल कर्तव्य बताया गया है यानी फंडामेंटल ड्यूटी बताया गया। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, तो मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। ओके, तथा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर ए भाग 3 भाग तृतीय, ऑप्शन बी भाग चतुर्थ, ऑप्शन सी भाग द्वितीय तथा भाग ऑप्शन डी भाग 9। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी चौथे भाग में क्या बताया गया, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से कौन सा किसका वर्णन किया गया भाग 1 में? ऑप्शन नंबर ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य की नीति निर्देशक।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया भाग एक में के मूल अधिकार बताया गया। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत मूल अधिकार बताया गया, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग चार में बताया गया। ठीक है, संविधान किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर ए भाग दो, ऑप्शन बी भाग तीन, ऑप्शन सी भाग चार, ऑप्शन डी भाग पाँच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भाग तीन के तहत किया गया मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य का विवरण संविधान में संविधान के किस भाग में यानी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी की जब पूछ रहा है मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए भाग एक, ऑप्शन नंबर बी भाग चार ए, ऑप्शन नंबर सी भाग दो, ऑप्शन नंबर डी भाग चार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भाग चार की ए में क्या किया गया है और संविधान के मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भारतीय संविधान का भाग चार किस के बारे में बताता है यानी भाग जो चार है किस बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नागरिकता, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मूलभूत सिद्धांत। ग्यारह का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य की नीति निर्देशक तो भाग चार में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में दी गई, ओके ऑप्शन नंबर ए भाग दो, ऑप्शन नंबर तीन भाग तीन, ऑप्शन सी भाग चार, ऑप्शन डी भाग पाँच। इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी भाग पाँच में क्या बताया गया, संघ के कार्यपालिका शक्ति की व्याख्या किया गया। ओके, यानी संघ के कार्यपालिका की व्याख्या किया गया भाग पाँच के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस भाग में नागरिकता बताया गया, संविधान किस भाग में नागरिकता बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए भाग ए, ऑप्शन बी भाग दो, ऑप्शन सी भाग तीन तथा ऑप्शन डी भाग चार। भारत संविधान के भाग दो में यानी इसका आंसर ऑप्शन बी यानी भाग दो में क्या बताया गया, नागरिकता बताया गया। ओके, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को क्या सूचितों से मिलान करना। ओके, कौन से भाग में क्या बताया गया है इसी को देखना। ओके, भारतीय संविधान के भाग नौ में क्या है, भाग सात आठ में क्या है, भाग छः में चार में तीन में नौ में तो जिसमें क्या, चलिए देख लेते इसको। तो भारतीय संविधान के भाग नौ में क्या है, तो नौ में संघ सूची है। ओके, तथा भाग आठ में क्या हो गया आपको, भाग आठ में हो गया सॉरी, भारतीय संविधान के भाग नौ में क्या गया, नौ में पंचायत बताया गया। ओके, नौ में पंचायत बताया गया है, जबकि भाग आठ में बताया गया आपको संघ क्षेत्र बताया गया। ओके, तथा भाग चार ए में बताया गया मूल कर्तव्य बताया गया है चार। ओके, उसके बाद भाग नाइन ए में बताया गया है क्या बताया गया, पंचायत बताया गया। ओके, तीसरे क्वेश्चन, चार का थोड़ी पंचायत उसमें थोड़ी ना बताया गया, पंचायत तो भाग नौ में बताया गया। ओके, भाग नौ ए में क्या बताया गया, नगर पालिका बताया गया। ओके, भाग नौ में क्या है, भाग नौ में हो गया पंचायत हो गया, भाग नौ ए में क्या है तो उसमें भाग नौ में अगर पाल के ओके इसी को डिस्को मिला जाए तो ए का हो गया तीन, ओके बी का वन, सी का फोर तथा डी का टू। ओके, इसी को डिस्को सही आंसर ऑप्शन ए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको भारतीय संविधान के भाग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतना ही था, फिर अगले सेशन में अगले विषय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।